हेलो हेलो जी, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं? नहीं, मैं गालिब बोल रहा हूँ। अच्छा, गालिब साहब बोल रहे हैं। गालिब साहब, एक आपसे सवाल पूछना था, एक मसला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। जी बोलिए। हाँ, बोले कि इब्राहिम कातिया किताब में जो ये इबारत लिखी है, ये इबारत समझ में नहीं आ रही है कि शैतान मरदूत की जो इल्म गैब के बारे में लिखा है कि इसको जमीन के जर्रे जर्रे का इल्म इसके लिए नस से साबित है, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जर्रे जर्रे का इल्म साबित नहीं है। ये तो मौलाना, ये जो मौलाना खलील अहमद साहब जो है ना, जी, इन्होंने जो क्या मौलाना था वो उनकी इबारत नकल की है। अरे क्या नाम है उनका, जो अनवार सातिया के मुसन्निफ है, अब्दुल सनी साहब। अच्छा। हाँ, तो ये उन्होंने अनवार सातिया की इबारत नकल की है। हाँ? अब ये बात अगर गलत है तो उसके जिम्मेदार अनवार सातिया के मुसन्निफ है, तो उन्होंने हुजूर को जो है ना वो शैतान को हर जगह माना है और कहा कि शैतान तो हर जगह हाजिर नाजिर होता है, ये होता है वो होता है, और हुजूर क्यों ना हो, तो उन्होंने उनकी बात नकल की है जहाँ तक मेरा इल्म कहता है। इबारत जैसे जैसे इबारत पढ़ी है, तो उस इबारत में ये है कि हुजरे क्या नाम है शैतान के इल्म के बारे में उन्होंने ये इबारत को नकल फरमाया है और कहा है कि शैतान के लिए इल्म जो है नकल फरमाया, तो नाकल के जिम्मेदार नहीं होता ना। लेकिन एक होता है कि अगर मान लीजिए कोई किसी की इबारत को नकल फरमा रहे हैं और अगर उससे कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी या फिर कुछ ऐसी चीज अगर साबित हो रही है तो उस पर रद्द भी तो किया जाता है। वहाँ अगर रद्द ना करें, अगर उस पर सुकूत इख्तियार करें, तो उसका सुकूत इख्तियार करना तो वो उसकी इबारत उसकी तायद होती है ना। हाँ है, तो यकीनन है, तो बोलिए क्या करना है, बोलिए। वही कि अब जैसे खलील अहमद अम्बेडकरी ने ये जो इबारत को नकल फरमाई है और नकल फरमाने के बाद वहाँ सुकूत इख्तियार किए, तो मतलब कि वो उसकी तायद कर रहे हैं और ये खुद उनका भी नजरिया यही माना जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक से ज्यादा शैतान मलऊन का इल्म मानना तो ये हुजूर की शान में गुस्ताखी है ना। तो वही तो कह रहा हूँ, यही बात तो आप मौलाना आमिर रजा खान साहब से पूछे ना कि भाई जब हुजूर शैतान के इल्म को ज्यादा मानना गुस्ताखी है, तो आपने अनवार सातिया पर कैसे तस्दीक कर दी, अनवार सातिया पर कैसे आपने मुकदमा चढ़ा दिया। तो अनवार सातिया में ये इबारत नकल है, ये आप पढ़े? हाँ बिल्कुल। तो जरा उससे स्कैन पे भेजिएगा। हाँ तो स्कैन भेजूंगा, लेकिन वो किताब अभी मेरे पास नहीं है। अलबत्त मैंने जिस जमाने में मैंने मुताला किया था, जब मैं इस मसले की तहकीक कर रहा था, तो मैंने देखा था अपनी नजर से कि अगर खलील अहमद अम्बेडकरी साहब अनवार सातिया से अगर नकल फरमाते हो तो अनवार सातिया का उसमें हवाला भी देते। सुनिए सुनिए, बात असल ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बराहिन सातिया है ही अनवार सातिया का जवाब। अनवार सातिया अनवार सातिया मार्केट में पहले आई थी, उन्होंने अब्दुल समी रामपुरी साहब ने ये किताब लिखी थी अनवार सातिया, उसके बाद अहमद रजा से तस्दीक भी करवाई थी, उसमें उन्होंने तकरीर लिखी, उसके बाद वो जब छप कर आई तो उस अनवार सातिया को सामने रखकर उसका रद्द किया है मौलाना खलील अहमद साहब ने। तो उसमें अनवार सातिया के रद्द में लिखी है किताब। हाँ, बराहिन सातिया अनवार सातिया का रद्द ही है ना वो। अच्छा, जब बराहिन सातिया का क्या किताब का नाम बता रहे आप? अनवार सातिया के रद्द में जो लिखी गई है बराहिन सातिया, तो ये इबारत तो रद्द के एतबार से कहीं भी नकल समझ में नहीं आती कि उन्होंने रद्द के एतबार से इबारत लिखी है। ये तो इबारतों को जो नकल फरमाया, हमको लगता है कि बराहिन सातिया के रद्द में इन्होंने अपनी इबारत को नकल फरमाई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब जर्रे जर्रे का साबित नहीं है, लेकिन शैतान के साथ। आप जब अनवार सातिया के रद्द में अगर ये इबारत लिखी है, तो जाहिर सी बात है कि अनवार सातिया की इबारत उसके खिलाफ होगी, तभी उसके रद्द में आपके बराहिन सातिया में ये इबारत नकल फरमाई गई है। हाँ हाँ, तो उसी का रद्द कर रहे हैं ना, जब उन्होंने अब्दुल समी रामपुरी साहब ने ये कहा कि शैतान तो हर जगह हाजिर नाजिर है, तो आप हाजिर को क्यों नहीं मानते हाजिर नाजिर, वो उसके जवाब में खलील अहमद साहब ने मौलाना अब्दुल समी साहब से कहा कि मौलाना साहब
आप जो कह रहे हैं कि शैतान हर जगह हाजिर नाजिर है, तो हर जगह हाजिर नाजिर उसका होना ये कुरान और हदीस से पता लगा है। अच्छा अच्छा, यानी कि वो उन्होंने कहा कि शैतान हर जगह हाजिर और नाजिर है तो हुजूर क्यों नहीं, तो इस पर आपके इब्राहिम साथिया में आपके खलील अहमद अम्बेटवी साहब इसकी तायद फरमा रहे कि हुजूर शैतान का तो हाजिर और नाजिर होना कुरान से साबित है। तो हाँ ये पहले सुनिए, आपको तो मेरे दोस्त जब आप इस खलील अहमद अम्बेटवी साहब इस पर दलील पेश कर रहे हैं कि शैतान का तो हर जगह हाजिर और नाजिर होना ये कुरान से साबित है, लेकिन हुजूर का हर जगह हाजिर और नाजिर होना कुरान से साबित नहीं नहीं है, ये बात है सर। अच्छा, वो भी तो हुजूर की शान में कुछ हो रही है। तो मसला असल आप जो कह रहे हैं कि शैतान का इलम बढ़ना या कम होना, तो ये बात अहमद रजा साहब ने पहले कही, अब्दुल सबी रामपुरी ने कही, दोनों मिल के कही। नहीं नहीं, अब्दुल सबी रामपुरी साहब हो या इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हो, उन पर यह ऐतराज कैसे हो रहा है? ऐतराज तो यहाँ अभी भी खलील अहमद अम्बेटवी पर हो रहा है कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि शैतान हर जगह हाजिर और नाजिर हो सकता है तो हुजूर क्यों नहीं, और इस पर आपके खलील अहमद अम्बेटवी साहब ये भी कह रहे हैं कि हाँ शैतान का तो हर जगह हाजिर और नाजिर होना ये कुरान से साबित है, लेकिन हुजूर का हर जगह हाजिर और नाजिर होना कुरान से साबित नहीं, तो भी तो ये हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है। तो आपको एतराज आपने क्या कहा, आपने एतराज वो शैतान वाली बात पर किया ना आपने? हाँ, तो एतराज तो खलील अहमद अम्बेटवी के अम्बेटवी पर है ना कि खलील अहमद अम्बेटवी ने शैतान से बढ़कर माना हुजूर को, हुजूर से बढ़कर माना शैतान को, माजल्ला। अरे मेरे भाई में हो या फिर हाजिर और नाजिर पे हो, दोनों जगह तो उन्होंने शैतान को ही पढ़ के माना माजल्ला, और कुरान से दलील भी दी। तो शैतान से क्या यारी थी खलील अहमद अम्बेटवी साहब को जो उन्होंने शैतान के इल्म को और शैतान के हाजिर और नाजिर होने को कुरान से माना, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और उनके हाजिर और नाजिर की नफी फरमा दी। अरे मेरे भाई, तो आपको एतराज आपने क्या किया, जिस टॉपिक पर आपने एतराज किया मैं वो कह रहा हूँ। आपने कहा कि खलील अहमद साहब ने ऐसी ऐसी बात शैतान को ज्यादा माना इल्म में, ठीक है, तो खलील अहमद अम्बेटवी साहब ने माना ना। अरे तो खलील अहमद अम्बेटवी ने कब माना, जब अहमद रजा साहब और अब्दुल समीर साहब ने माना, जब माना तब माना छोड़े, लेकिन माना तो ना अपने शैतान मरदूद के इल्म को और उसके हाजिर और नाजिर को हुजूर से ज्यादा, वो भी कुरान से। सुनिए ना, तो उससे मानने से पहले तो अहमद रजा साहब बैठे हुए, तो जितना ये मुजरिम है उससे डबल मुजरिम तो वो दोनों हैं। कैसे वो लोग दोनों मुजरिम हैं, वो शैतान को ज्यादा कैसे मान रहे हैं? सुनिए सुनिए, आपने मुझसे उनका कहना ये है आपकी ही बकौल कि उन्होंने ये दलील पेश की कि जब शैतान मरदूद हर जगह हाजिर और नाजिर है तो हुजूर क्यों नहीं। तो यानी उनका कहना ये है कि जब शैतान जैसा मरदूद मलऊन बदबख्त जहन्नम का ईंधन हकीर और नाचीज चीज अगर हर जगह नाजिर और हाजिर और नाजिर है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम अंबिया के इमाम है, अल्लाह के प्यारे महबूब है, फिर उनकी शान अजमत का आलम क्या होगा। हाँ, तो शैतान को माना कि नहीं माना, तो शैतान को अगर माना तो कहीं ज्यादा की शान बताई जा रही है। अरे मेरे भाई, तो सुनो तो एक मिनट समझे दिमाग से, जब आप शैतान को हर जगह, आपका इमाम शैतान को हाजिर और नाजिर मानता है और वही सिफत हुजूर को भी दे रहा है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ, शैतान में और हुजूर में क्या फर्क हुआ? अच्छा, यानी कि आला हजरत अलैहि रहमा अगर फरमा रहे हैं कि शैतान को जब हाजिर और नाजिर हर जगह माना जा सकता है, तो हुजूर तो उससे ही कहीं बदरजे उला आपकी शान और अजमत का तो क्या आलम है। आप तो कम इल्म इंसान भी समझ सकता है कि हुजूर उससे कहीं ज्यादा शान रखते हैं, हुजूर तो उससे ज्यादा कहीं हाजिर और नाजिर होंगे। तो आप कह रहे हैं कि शैतान को और हुजूर को हाजिर और नाजिर माना तो ये हुजूर की गुस्ताखी हो गई, लेकिन आपके मर्जाना खलील अहमद अम्बेटवी ने, सुनिए पूरी बात, आपके खलील अहमद अम्बेटवी ने दोनों को बराबरी का दर्जा देने पर गुस्ताखी हो रही है, इसलिए आपके खलील अहमद अम्बेटवी ने हुजूर की शान को शैतान से कम कर दिया, यानी कि अब बराबरी नहीं हो रही तो गुस्ताखी नहीं होती। तो मेरे भाई, इसलिए शैतान का इल्म को ज्यादा कर दिया, हुजूर के इल्म को कम कर दिया, क्योंकि बराबर में तो गुस्ताखी हो जाती। अरे ज्यादा तो उसने किया, इसने तो इनकार किया। अरे आप क्या इनकार किया, आपने तो गुस्ताखी कर दी, वहाँ तो साफ लिख दिया है कि क्या नाम है, शैतान मरदूद मलऊन, शैतान मरदूद भी नहीं कहा, कहा कि शैतान का इल्म, शैतान के जर्रे जर्रे का इल्म नस से साबित है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जर्रे जर्रे का इल्म नस से साबित नहीं। हाँ, तो इसमें कहा, इसमें तो साफ ये हो रहा है कि शैतान मरदूद के लिए खलील अहमद अम्बेटवी ने लिखा कि शैतान का इल्म जर्रे जर्रे का, जमीन के जर्रे जर्रे का इल्म शैतान के लिए
कुरान से साबित है, लेकिन हुजूर का इल्म जाने में कुरान से साबित नहीं है। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन के रुए जर्रे जर्रे का इल्म नहीं है, लेकिन शैतान को है। तो मतलब ये हुआ कि शैतान का इल्म ज्यादा हुआ, माज़ अल्लाह हुजूर का कम हुआ। तो ये हुजूर के शान में तो शरीर गुस्ताखी है, और आप गोल गोल घुमा के अपने इस कुफ्र को छुपाने के लिए और लिपापोती कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि नहीं फला पे फतवा लगेगा, फला पे लगेगा। अरे सीधा सीधी बोलिए ना, खलील अहमद नमबेसी ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, शैतान मर्दूद को अपना आता बना लिया। कभी आप अशरफ अली थानवी मर्दूद मलून वो कहता है कि हुजूर का इल्म पागल बच्चों जानवरों जैसा है, तभी आपका क्या नाम है खलील अहमद अम्बेकरी कहता है कि शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है माज़ अल्लाह। ये सब क्या है, क्या तो फिर क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? यही चीज कि आप लोग इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती है आवाम के सामने डिफेंस करते इसको? तो आप करो ना भाई, आप करो। आपकी क्यों नहीं सुन रहा? हमको तो शर्म आती है, हमको शर्म आती है, इसलिए तो आम उन्नास को बताते हैं कि ऐसे बेवकूफों के चेहरे से थूक दिया जाए जो हुजूर के इल्म को शैतान मर्दूद से कम बताएं और शैतान मर्दूद के इल्म को हुजूर से ज्यादा बताएं। माजल्ला ऐसे शख्स के ऊपर थूक दिया जाए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक को पागल बच्चों और जानवर उसकी तरह बताएं। माजल्ला सुम्मा माजल्ला। और आप यहाँ पर करके हुजूर के शान में गुस्ताखी करने वालों की तायद फरमा रहे, शर्म आनी चाहिए आप। सुनिए सुनिए मेरे भाई, मैं ठीक है, मैं आपको और भी गैरत दिलाता हूँ कि आप मुझे क्या गैरत दिलाइएगा, आप क्या गैरत दिलाइएगा, आपको तो खुद गैरत नहीं है, शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं है, ठीक है ना, मुझे नहीं है। अब रखिया हो गया, रात ज्यादा हो गया है, और इससे ज्यादा हम हुजूर की शान में तौहीन सुन नहीं सकते, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा तौहीन सुनना भी मेरे लिए क्या बताएं, हम कोई अल्फाज नहीं है उसके लिए। तो अगर दम है तो मैं अपना एड्रेस बताता हूँ, आ जाओ मेरे पास। आपके पास अगर दम है तो मैं एड्रेस बताता हूँ, आप मेरे पास आ जाइए। तुम जिस दिन अगर मेरे सामने गुस्ताखी करोगे ना, खुदा की कसम तेरी गर्दन में तलवार। पहले क्या कि अपने उलमाए देवबंद की और अपनी गर्दन को तलवार से मार लो, ये तो शुक्र मनाओ कि तुम मेरे सामने नहीं हो, वरना तुम लोगों की गर्दन तो तलवार तो छोड़ दो, अगर हाथ से मारूंगा तो अलग हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा बताने वाले। मुझे कह रहे हो कि मेरी गर्दन को मारोगे, तमाम देवबंदियों पे लानत हो। ये ऑडियो अगर आवाम सुनेगी ना तो वो भी थूक देगी आपके ऊपर कि कैसा बदबخت इंसान है कि हुजूर की शान और अजमत में इतनी बदतरीन इबारत लिखने के बाद भी ये गालिब देवबंदी जो है उसकी दिफा कर रहे हैं, और उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भैया जो हुजूर की तरफ से नहीं आ रहा है तो दोनों तरफ से कोई फायदा नहीं है। हम कहां, अब आपका काम हो गया जितना होना था, अब्दुल्ला भाई इनको निकाल दीजिए, कोई फायदा नहीं। अब शिर्क फैलाओगे और क्या करोगे? शिर्क कौन फैलाता है ये तो पूरी दुनिया जानती है। शिर्क के लिए तो शिर्क लोग पैदा ही नहीं। अच्छा शिर्क किसे कहते हैं? जो तुम लोग करते हो उसी को शिर्क कहते हैं, और किसको कहते हैं? जो हम पूजा करते हैं सुबह सुबह उठ के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं। रब्बुल इज्जत की तुम लोग इबादत कर पाओगे? अहमद रजा की इबादत करते हो दिन रात और अल्लाह का नाम लेते हो? माशाल्लाह, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हुजूर की हदीस शरीफ है कि मेरी उम्मत को एक शख्स ऐसा आएगा जो मेरी उम्मत पे शिर्क का झूठा इल्जाम लगाएगा और वो खुद मुशरिक होगा। अरे तो हदीस मेरे आका गैरदा नबी ने खुद पहले बता दिया कि तुम जैसे बदबख्त पैदा होंगे जो हम लोगों को शिर्क का झूठा इल्जाम लगाओगे। शिर्क किसे कहते हैं बताइए तो, कौन सा शिर्क है? जाओ जाओ शिर्क करो, समझे? अच्छा कौन सा शिर्क बताइए तो। अरे जो कर रहे हो, जो अहमद रजा शिर्क करके गया वो मुशरिक आजम। क्या शिर्क करके गया इमाम अहमद रजा? इसका वजूद ही शिर्क का दूसरा नाम है, समझे? क्या शिर्क करके गया ये तो बताओ ना, इल्जाम तुम लगाओगे मुसलमानों के ऊपर, ये तो मेरी आका ने बता दी, और तुम तो हम पर लगाओगे शिर्क के इल्जाम। क्या ये बताइए ना, क्या शिर्क? शिर्क की भट्टी को पूजो जाके खूब वही करोगे? अरे कौन से शिर्क, कौन से शिर्क पहले बताओगे? मुसलमान हो, सुनो एक मिनट खामोश होकर सुनो, अगर तुम मुसलमान हो, नबी का सच्चा दीवारा हो, तो मैं तुझे अपना एड्रेस बता रहा हूँ, जाओ मेरे खिलाफ। अरे ओए 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 गालिब देवबंदी जाहिल, पहले ये बता शिर्क कौन से शिर्क की बात कर रहा है, पहले ये बता मुझे शिर्क कहते किसे हैं, कौन सी शिर्क की बात कर रहा है? सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने क्या कहा
के उलमा देवबंद ने गुस्ताखी की है, तो तुम्हारे उलमा देवबंद गुस्ताख, उलमा देवबंद काफिर, उलमा देवबंद मुशरिक, कब्र की पुजारी, उलमा देवबंद इस्तीफा कर रहे हो, इतने पर इस्तीफा कर रहे हो मेरे भाई। आगे एक मिनट मेरी बात तो सुन ले, हमें मुझे मुशरिक कहना, पहले ये बताओ किस बिना पे मुशरिक कहा जरा वो मुझे बताओ। तुमने मुझे मुशरिक कहा, आला हजरत अली रहम को मुशरिक कहा, जबकि तुम्हारे मौलवियों ने आला हजरत के ईमान की गवाही दी है, तुम्हारे मौलवियों ने आला हजरत की ईमान मानने पर मजबूर हो गए, और तुम्हारे मौलवियों ने किताबुल नवाजिल में तुम्हारे मौलवी सलमान मंसूर पूरी ने लिखा है, सुन पहले मेरी बात, तुम्हारे मौलवी जो है मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी किताबुल नवाजिल में लिखता है कि आला हजरत अली रहमा मुसलमान है, उनकी तख्सीर करने वाला तख्सीर से बाहर आ गया, तो तुमने उनको मुशरिक कहा, काफिर कहा, तो तुम्हारे घर का फतवा है कि तुम तख्सीर करने से बाहर आ जाओ, तौबा करो। मैं तौबा जो है तुम्हारे घर से मैंने पेश कर दिया, और रही बात तुमने जो शिर्क के इल्जाम लगाए हैं, पहले मेरी बात तो सुनो, तुमने जो शिर्क के इल्जाम लगाया, शिर्क किसे कहते हैं बताओ तो, शिर्क अहमद रजा को कहते हैं, तुमको नहीं बता रहा हूँ। माजल्ला माजल्ला, ये देखिए देवबंदी मौलवी गालिब है, इस गधे को शिर्क की तारीफ नहीं मालूम, ये कहता है कि शिर्क अहमद रजा को कहते हैं, अल्लाह हम तो इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं, और मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, ये आला हजरत अली रहमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, कोई कहते शिर्क किसे कहते बताएगा, शिर्क तुझे मैं बता रहा हूँ ना, शिर्क इस जमाने में किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, वही तो कह रहा हूँ मैं, अहमद रजा की पार्टी का दूसरा नाम है लानतुल्लाह अलल कासिबीन, बोलो आमीन, लानतुल्लाह अलल कासिबीन, बोलो आमीन। तुझे अपनी किताब का शिर्क की तारीफ नहीं मालूम है, जिस गधे को शिर्क किसे कहते नहीं मालूम है, वो कैसा है, वो मुझसे बात करेगा कि आला हजरत मुशरिक की तारीफ की तारीफ नहीं कर सकते। एक और हवाला सुनो, तुम्हारी किताब है, मेरी बात सुन, तुम्हारी किताब खुतबात हाकिमुल इस्लाम, उसमें तुम्हारे मौलवी कारी तैयब, सुनो तो, तुम्हारे मौलवी कारी तैयब वो क्या इबारत नकल फरमाता है, एक बार अशरफ अली थानवी की मजलिस में गालिबन किसी मजजूब ने कह दिया कि अहमद रजा यूं कहता है, अशरफ अली थानवी ये सुन के भड़क गया, बोला तुमने सिर्फ अहमद रजा क्यों कहा, मौलाना का लफ्ज तुमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, और खूब डांटा रखता। सोचो कि आला हजरत की शान वो है कि अगर सिर्फ मौलाना का लफ्ज ना लगाने से तुम्हारे अशरफ अली थानवी जूते से मारते थे, तो तुम जैसे बदबख्त अगर मुशरिक कहते अशरफ अली थानवी के सामने आला हजरत को, तो तुम्हारा तो गर्दन ही उड़ा देते वो। अरे आला हजरत की शान क्या है ना, जाके अपने घर में पहले पढ़ लो, उसके बाद आके हमसे बात करते हम अपने घर के लिए पढ़ते हैं और बिदअतियों की किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, तो बिदअत के बारे, अच्छा बिदअत किसे कहते हैं, सुनो ना, मुशरिकीन की भी किताबें पढ़ते हैं, और बिदअत किसे कहते हैं, और मौलाना अशरफ अली थानवी ने बिदअत किसे कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने, इमाम अहले सुन्नत ने बिदअत कहते हैं, बिदअत किसे कहते हैं, तुमने मुशरिक कहा, मुशरिक शिर्क की तारीफ नहीं बता पाए, सुनो ना, बिदअत में आ गए, अब बिदअत किसे कहते हैं ये तो बता दो, सुनो क्या कह रहे हैं भाई, कहते बिदअत किसे कहते हैं, इमाम अहले सुन्नत, मेरा मौलवी अशरफ अली थानवी, सुन मेरी बात, मेरा मौलवी अशरफ अली थानवी इफाज़ातुल यौमिया में, बड़ा मत करो, सुनो, तुम्हारा मौलवी अशरफ अली थानवी इफाज़ातुल यौमिया में लिखता है कि बिदअत की बात किसकी होती है, भाई कहते सुन, तेरा वजूद भी बिदअत तेरे अशरफ अली थानवी ने लिख दिया है, कहता है कि बिदअत की पांच किस्में होती हैं, एक बिदअत मुहर्रमा, दूसरी बिदअत मकरूहा, तीसरी बिदअत वाजिबा, चौथी बिदअत मुबाह, और पांचवी बिदअत मुस्तहबा। तेरा मौलवी अशरफ अली थानवी कहता है कि अच्छे खाने खाना, अच्छा लिबास पहनना बिदअत है, और पूरा देवबंदी अच्छा खाना लपेटने में मशरूफ है, अच्छा कपड़ा पहनने में मशरूफ है, तो पूरा देवबंदी क्या है, तुम्हारा मौलवी अशरफ अली थानवी कहता है, सुन तो गधे, अरबी मदारिस बनाना जो है ये बिदअत वाजिबा है, और पूरा देवबंदी अरबी मदारिस बनाने बिदअत हो रहा। देखो तुम जो भी मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मैं तुम तुम्हारी किताब से साबित कर रहा हूँ,
अब तुम बकवास कर रहे हो, मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, तुम बकवास कर रहे हो, मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, किताब ही नहीं जानता है तो तुम हवाला क्या पेश कर रहे हो। अब ये जो है ना, ये अवामुन्नास पे छोड़ देते हैं कि अवामुन्नास ये जो अनिवार्य साथियों का ही ये खबीस, क्या नाम है इसका, गालिब, ये खबीस गालिब जो है मगलूब हो गया और ये पागल हो गया, ये सिर्फ बकबकाया हुआ है। और हम सामने वाले अहले सुन्नत की जो एक आला हजरत की अदालत में गुलाम है, वो तुम्हें तुम्हारे घर के हवाले से मार देंगे तो पूरी दुनिया के मुशरिकिन और काफिरों भी सुन्नी हो जाएंगे। ओए गधे, ये तो तुम्हारे घर के तुम्हारे बाप दादा ने आला हजरत की ईमान की गवाही दी है। हमें चाहिए, पहले मेरी बात, बकवास कली मत कर, किताब से बात कर, हवाले से बात कर। तेरा मौल सुन, तेरी किताब है बोल पतावा उलमाए देवबंद, जब भी पहला देवबंदी मुफ्ती मदरसे देवबंद जो बना ना, सबसे पहला मुफ्ती था मदरसे देवबंद को जाने देना, मदरसे देवबंद से क्या करना, छत्तीस साल तक कारी तैयब जो है जब तक मरा नहीं, जहन्नम में नहीं गया, वो मुफ्ती बना रहा और इस तरह काम अंजाम देता रहा। कारी तैयब से पूछा गया कि आला हजरत अली रहमा मुसलमान है या नहीं, तो तेरा मुफ्ती कारी तैयब जो बहुत बड़ा मुफ्ती है वो कहता है कि इमाम अहमद रजा मुसलमान है। अब बता, जाहिल खबीस मर्दूद मुसलमान, अरे वो देखो जिल्द अव्वल पतावा उलमा देवबंद, तेरा मौलवी की सारी तबीयत, तो स्कैन भेज देंगे पगला, ये जो ऑडियो ऑडियो में वो स्कैन लगाएंगे, सुन तो, ये जो हम ऑडियो भी डालेंगे ना, इस ऑडियो में स्कैन के साथ डालेंगे। अभी जेब में तुझे कह रहा हूँ, अभी जेब अब जस्ट भेज दे तुमको, रुक जाओ अब्दुल्ला भाई को भेज दे, और अगर भेज दिए तो तुम तौबा करेगा, जाहिल इंसान मर्दूद इंसान, बड़े बड़े मुफ्तियों को ना ये हवाला दिया और तुम सवाल मांग किया। सुन ना, मैं ऐलान करूंगा, मैं ऐलान करूंगा, अगर कारी तैयब साहब ये कह रहे हैं कि अहमद रजा खान साहब मुसलमान है, ठीक है, अगर वो कारी तैयब साहब ये कह रहे हैं मुसलमान है, तो मैं ऐलान करूंगा कि कारी तैयब साहब भी मुशरिक है। लेकिन तुम्हारा इबारत जरा भेजिए तो फौरन, अरे तुझे एक और इबारत भेज दीजिए, हम इसको भेज दे रहे हैं इसके कवर पेज। हम गुलाम अली अहमद रजा है, फिर तो फैलाते रहेंगे, अरे जो भेजे उसको तो पढ़ो। हम गुलाम अली अहमद कोई भी हमसे चीता नहीं, मुशरिक को तुम साबित कर, बोलो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कभी तो कभी गौर से पढ़ भी लिया होता, ठीक है, पढ़ो 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 आगे, क्या लिखा है, बिदअती से निकाह करना दुरुस्त है, ठीक है, अगर मुनासिब नहीं, सवाल क्या है, सवाल अच्छा, वो क्या है वहाँ पर, अच्छा ये वाला क्या था जो बिदअती से निकाह करना दुरुस्त है मगर ये क्या है, यहाँ क्या है, ये हेडिंग है, सवाल सवाल करो ना, सवाल सवाल तो नहीं है, सवाल पे आओ, सवाल क्या है, सवाल है कि अहमद रजा खान बरेलवी से मुतकिब से, ठीक है, अहमद रजा से नहीं, सवाल अहमद रजा का नहीं, पढ़ो 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 पूरा पढ़ो ना, पहले सुनो, सवाल अहमद रजा का नहीं से मुतकिबीन का, ठीक है, कह रहे हैं कि अहमद रजा बरेलवी के मुतकिब से किसी अहले सुन्नत हनफी को अपनी लड़की का निकाह करना जायज है या नहीं, ठीक है, जवाब निकाह तो हो जाएगा, क्या ये भी कौन, वो भी यानी उनके मुतअक्किद भी मुसलमान है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ अहमद रजा का कोई सवाल नहीं है, अगर से यहाँ इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के लेकर उनके मुतअक्किद कौन, जो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जो अकायद है उनके अकायद पर मानने वाले मुतअक्किद जो है उनसे किसी हनफी बरेलवी का निकाह देवबंदी का निकाह होगा या नहीं, तो इस बिना पर कारी तैयब साहब कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगा कि आखिर वो भी मुसलमान हैं, तो आपके कारी तैयब मुसलमान कह रहे हैं लेकिन आपके खबीस जो बंदी मुशरिक हमें कह रहे हैं, मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ, मुसलमान कह रहे हो, अरे मैं अहमद रजा के बहुत सारे मुतकिदीन को मुसलमान मानता हूँ,
अरे बेवकूफ चाहिए यहाँ तो आला हजरत के मौतकीद मतलब आला हजरत के अकायद से चलने वाले लोग। अरे अकाइद से नहीं, बहुत सारे लोग आला हजरत का नाम मानते लेकिन अकायदा यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर बहुत सारे और कम तो जिक्र नहीं है। तुमने क्या कहा, तुमने अहमद रजा को मुसलमान का, यहाँ अहमद रजा को मुसलमान का, यहाँ इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी और उनके मौतकीद जो है जिनका जिक्र है उनके बारे में मुसलमान का जिक्र अलग होता है। ठीक है, अभी जाहिर इंसान यहाँ पर आला हजरत और उनके मौतकीद का जिक्र है तो आला हजरत और उनके मौतकीद को मुसलमान कहा गया ना। यहाँ ये लिखा गया कि नहीं, सुनो यहाँ जवाब ये दिया गया कि नहीं, इमाम अहमद रजा माजल्ला काफिर है, उनके मौतकीद जो है वो मुसलमान है, ऐसा लिखा है। वो हम लोग दूसरे की भट्टी नहीं चला रहे तुम्हारे घर, समझे। अब बताओ तुम्हारा जो खारी सैयद है वो काफिर हुआ कि नहीं, मुशरिक हुआ कि नहीं, मुशरिक हुआ कि नहीं। कारी सैयद साहब अगर इस मिश्री के आजम के बारे में कुछ भी लिखते तो फिर लानती मर्दूद, तेरा बाप जो है ना अशरफ अली थानवी वो आला हजरत को मुसलमान कहता है, तेरा बाप है, तेरा मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी जो है ना सुन वो आला हजरत को मुसलमान लिख रहा है और उनको मुशरिक और काफिर कहने वाले पे हुक्म कुफ्र लगा रहा है। मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी के भी स्कैन भेजे जो कहता है कि साफ लफ्ज में आला हजरत मुसलमान है, उनकी तकफीर करने वाला तकफीर से बाज आ जाए। कारी तैयब भी यहाँ पर ही आला हजरत और उनके मौतकीद को मुसलमान कह रहे हैं लेकिन तू समझ में नहीं आ रहा उसके मौतकीद के बारे में कह रहे थे। यहाँ दोनों का जिक्र है, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के मौतकीद से किसी अहले सुन्नत हनफी को अपनी बेटी लड़की का निकाह हो जाएगा, ये कहते हैं निकाह हो जाएगा कि आखिर वो भी मुसलमान है। कौन अहमद रजा से निकाह, और अहमद रजा और उसके मौतकीद जो हैं वो दोनों मुसलमान हैं। यहाँ तो ये नहीं कि मौतकीद मुसलमान है, बहुत सारे बरेलवी ऐसे हैं जिनको हम भी मुसलमान मानते हैं। ठीक है, किसको किसको नाम लेके बताओ। अरे खुद बरेलवी से अपनी मेरी शादी हुई है। अबे जाहिल, ठीक है ओए जाहिल मेरी बात सुन, यहाँ पर तेरे मौलवी जो है ये हम अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों को मुसलमान कह रहे, बरेलवियों को तुम जो मुशरिक मुशरिक कह रहे ना, तुमको तो मुशरिक हो रहा है तेरी यहाँ दो पॉइंट, एक तो यहाँ दोनों का है लेकिन तू कह रहा है कि उनके मौतकीद यानी बरेलवियों के बारे में जिक्र है तो बरेलवियों को मुशरिक कह रहा है, तुम तो बरेलवी को मुशरिक कह रहे हैं। हाँ तो बरेलवी के मुशरिक, सारे बरेलवी मुशरिक हो रहे हैं, कुछ कुछ अलग भी है, दो चार अलग है उनसे। अच्छा, तो लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ तो कुछ की तारीफ नहीं की, कुछ से निकाह हो जाएगा कुछ से नहीं। क्या नाम उनका, मेरी बात सुन, तुमने कहा कि कुछ बरेलवी जो है वो मुसलमान है, कुछ नहीं कुछ मुशरिक है, यहाँ तो ये लफ्ज नहीं लिखा है कि कुछ जो है कुछ से निकाह हो जाएगी क्योंकि कुछ मुसलमान है, कुछ का लफ्ज नहीं है। सब लिखा है क्या, तो यहाँ पर जो शरी तौर पे लिखा है ना, तो यहाँ यहाँ मुतलकन मुसलमान लिखा है, यहाँ सब है, तुम तख्सीस करने वाले कौन हो, तो यहाँ तो साफ मुतलकन कहा है कि निकाह हो जाएगी क्योंकि वो मुसलमान है। हाँ तो तुम कह रहे कुछ और कुछ, ये तो तुम्हारी इबादत से जो है हम मुसलमान साबित हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तो है ही, लेकिन तुम्हारे मुसलमान मानने तुम्हारे मौलवी जो है, सुन सुन सुन, यहाँ पर ही तुम्हारे मौलवी ने साफ है और तुम जो है ये मुशरिक कह रहे हो, कुछ को कुछ मुशरिक है, कोई मुसलमान है कुछ मुशरिक है, तुम खुद मुशरिक हो गए। अहमद रजा को कौन सी किताब में मुसलमान लिखा गया, वो किताब अभी इतना सारा हवाला काफी नहीं था क्या। अरे हवाले को भेज पहले जिसमें अहमद रजा को मुसलमान कहा गया हो। अच्छा रुको, एक और हवाला तुमको भेज रही, लो अब्दुल्ला भाई इसको भेजिए तो। हाँ तो आप जो इबारत भेजे उसको सेकंड में तस्करा करेंगे, पहले आप ये बताइए हम जो भेजे वो पढ़े आप, हम जो भेजे वो पढ़े आप, क्या था क्या था वो क्या था बोलो। हाँ यानी हम जो भेजे किताबुल नवाजिल, किसकी किताब है किताबुल नवाजिल, ये मुफ्ती सलमान मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी नायब मुफ्ती व असातिज़ा हदीस जामिया कासिया मदरसा शाही मुरादाबाद। अच्छा कौन है ये, कौन है ये, देवबंदियों के मुफ्ती है। अच्छा हाँ
फैजान अहले सुन्नत पढ़े हो? क्या फैजान अहले सुन्नत? अरे फैजान अहले सुन्नत फैजान अहले सुन्नत बोल रहा जिसने अल्लामा इकबाल को काफिर कहा तुम्हारे अहमद रजा के राइट हैंड में। अरे पहले इस किताब से बात करूँ ना, बाकी उधर उधर तो हम लोग जाएंगे। मैंने क्या कहा, इस किताब में मौलाना सलमान मंसूरी जिनका नाम लिखा उनको तुम उठा के अपने घर ले जाओ, ठीक है? अच्छा, यानी कि सलमान मंसूरी के बारे में क्या फतवा है? वो जो भी फतवा उनको मैं नहीं जानता, ठीक है? तो अब सामीन ये फतवा सुन लीजिए कि मुफ्ती सलमान मंसूरी देवबंदी से पूछा जाता है कि आला हजरत के ईमान के बारे में, तो मुसलमान मंसूर पूरी कहता है कि ये इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी मुसलमान है, इन्हें काफिर कहने वाला तकबीर से बाज आए और काफिर कहने से तौबा करे। तो अब ये मुफ्ती सलमान मंसूरी का फतवा से गालिब जो है ये काफिर हो गया है और इसके हुक्म तौबा, इनके घर का फतवा है कि अब ये तौबा करे, क्योंकि अब देवबंदी को तौबा नसीब नहीं, इसलिए तौबा नहीं करेगा। खैर अब छोड़ो, दूसरा तुम्हारी इबारत से आते हैं, तुम्हारी इबारत से छोड़ो, सुनो पहले मेरी, ये समझ गया। अब देखो, अरे बेवकूफ, जिस तरह मैं संजीव जी से सुनता हूँ उस तरह तुम भी तो सुना करो। हाँ बोलो, बेवकूफ कहेंगे, देखो मेरी बात सुनेगा फिर तुम्हें जो भी कहना है। ये देवबंदी है, सुनो, बेवकूफ और गधा ये देवबंदी है, क्योंकि देवबंदी मौलवियों ने कहा है कि ये जो गधा जो भाग रहा है ना ढेंचू ढेंचू, तो बोले कि ये गधा जो है गधा को देख के भाग रहा है, गधा जो है देवबंदी मौलवी को देख के भाग रहा था। ये तो सलमान, तो गधा कल बात सलमान किया करो हम लोगों के लिए नहीं। अरे मुश्रिक तुम तो सही, अबे मुशरिक तो तुम खुद हो रहे हो मुसलमानों को मुशरिक बोल के। अभी मैंने तुम्हारे तुम्हारे मौलवी फतवा और गधे, तुम्हारे मौलवी कारी सैयद का फतवा भी हम दिए कि तुम्हारा मौलवी खुद कहता है कि हम मुसलमान हैं, तुम्हारे घर से तुम्हारी बात जब पूरी हो जाए वो खुद मुशरिक में तौबा करे, तो तुम हमें मुशरिक बोल के अपने आप को मुशरिक कह रहे हो। और तुम्हारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमाया है कि मेरी एक कौम ऐसी बदबख्त आएगी जो मेरी उम्मत को मुशरिक मुशरिक कहेगी, दर हकीकत वो खुद मुशरिक होगी। तकरीबन इस्पान की रिवायत है। तो अब सामने रखे तो तुम जैसे बदबख्त तो खुद मुशरिक सही अपने हिब्बान में अगर दिखा देंगे तो क्या करोगे? ये हदीस भेज दो जिसने जो अल्फाज तुमने कहे पूरी बात तुमने सुनते हो, ये बग बग वर्ड। देखो ये हदीस शरीफ ऐसे है कि मुझे अपनी उम्मत को जो इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा, ठीक है, और उसके अंदर इस्लाम की चमक पाई जाएगी, लेकिन जब अल्लाह चाहेगा उसे इधर जाएगा उधर ले जाएगा, लेकिन फिर अचानक वो इस्लाम की चादर अपने पृष्ठ के पीछे फेंकेगा और अपने पड़ोसी पे शिर्क का इल्जाम लगाएगा और उसे कत्ल करेगा। तो सहाबी ने आके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में मुशरिक कौन होगा? हुजूर ने फरमाया जो इल्जाम लगाएगा वो मुशरिक होगा। शरीफ का मफहूम क्या निकलता है उससे साबित ये होती है कि हुजूर को अपनी उम्मत पे देवबंदी वहाबियों जैसी कौम का खौफ था, जो हुजूर की उम्मत को शिर्क मुशरिक कहेगी, शिर्क का इल्जाम लगाएगी और फिर दर हकीकत मुशरिक वो खुद होगी। अच्छा, सर वो तो सारी दुनिया जानती है कि मुशरिक कौन है, किसके दिमाग में। सुनो तो, अभी सुबह एक देवबंदी को हम कॉल लगाए थे, वो एक ग्रुप चला रहा था और उसमें वो कह रहा था कि बुजुर्गान दीन के मजारात से फैज हासिल करना, बुजुर्गान दीन से मदद तलब करना ये शिर्क है और अल्लाह के रसूल मददगार नहीं है। तो फिर उस देवबंदी मुशरिक मौलवी को हम कॉल किए और कॉल करके बोले कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करना शिर्क है, मजारे औलिया से मदद तलब करना, फैज हासिल अकीदा रखना शिर्क है, तो सबसे बड़ा मुशरिक अशरफ अली थानवी। क्यों? क्योंकि अशरफ अली थानवी इमदादुल मुस्ताक में खुद लिखता है कि मेरे पीर मुर्शिद का जो एक शख्स मुरीद था वो आया उनकी बाद अजविसाल उनके सब्र मुबारक प्यार कहा, हुजूर मैं रोटियों का मोहताज हूँ, काफी परेशान हाल हूँ, हमारी मदद फरमाइए। हुक्म होता है, कब्र से आवाज आती है कि मेरी कब्र पे रोजाना आया कर, तुम्हें 8 आना 7 आना या 10 आना मिल जाया करेंगे। थानवी कहता है कि उसको रोजाना मेरे पीर मुर्शिद कब्र से वो पैसे मुकर्रर पाया मिल जाया करते थे। तो अब अशरफ अली थानवी खुद लिख रहा है कि मेरे पीर मुर्शिद कब्र से आवाज भी आई, मेरे पीर मुर्शिद से फरियाद भी की गई, वो सुने भी और पैसा भी दिया करते थे। सबसे बड़ा मुश्किल था नहीं हुआ।
फिर अशरफ अली थानवी जो है अरवाह सलासा में लिखता है कि एक दिन मुझे मुसीबत कहना मुश्किल पेश आई, मैं हतीम में था, मैंने पुकारा कि तीन तुम लोग 360 कमोबेश औलिया किस काम के हो जो तुमसे इस गरीब की मुश्किल हल नहीं हो रही है। तो अशरफ अली थानवी खुद मुशरिक हो गया। अब अशरफ अली थानवी अरवाह सलासा में लिखता है कि नानोतंग है, बात हो गई। हाँ अशरफ अली थानवी जो है ना तुम्हारे खुद लिखता है कि नानोतंग, सुनो ना एक ही बार और, मैं बोलूं क्या? अरे एक ही बार और ले ना, तुझे ही बोलना है तो तू मुझे फोन किया क्यों है? एक ही बार और ले लेता। अरे तू शिर्क में इतना बात करने का भी तरीका मालूम नहीं है। अच्छा ये शिर्क, अगर ये शिर्क है तो ये तो आदमी बन जाएगा होगा। जब तक तुम मोहम्मद रजा के पीर पल्ला पकड़ के रहोगे इसी तरह मुश्किल और इसी तरह गंदे जहन और इसी तरह तुम्हारा जहन और दिमाग दिले दिमाग इसी तरह गंदा रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, हम इबारत पढ़ रहे हैं तुम्हारे मौलवियों की और तुम अपनी सलातों पर बात करने की तमीज नहीं तो इबारत क्यों पढ़ रहा है? अरे गधे मेरी बात और सुनो ना, तुम जैसे लोगों की भी हम तमीज का इस्तेमाल करेंगे, तुम जैसे नापाको हम अदब पेश करेंगे, जाहिल जो हुजूर का गुस्ताख हो। ठीक है फिर गधा बोला, अभी बोले ये गधा उलमा देवबंद है। अभी तुमको समझाया कि गधा जो उलमा देवबंद साइल है, साइल है, तेरी बात मुख्तसर होनी चाहिए। जब तक मैं कहूँ की इबारत पेश कर तब तक तुझे नहीं करनी चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? एक सवाल, एक कहाँ लिखा हुआ है कि जो साइल होता है उसकी जो बात है मुख्तसर होनी चाहिए? जब तक मैं ना कहूँ तब तक साइल नहीं बोलेगा? तो तुमने रशीदिया नहीं पढ़ी? हवाला पेश कर दो, अभी पढ़ लेते हैं। अरे रशीदिया पढ़ी है कि नहीं पढ़ी तूने? अबे तुम अभी पेश कर देना, अभी पढ़ लेंगे। अबे गधे के, अभी मेरे पास किताब नहीं है। मुनाजरा नहीं, मैंने कहा ना रशीदिया ने लिखा है। अब सुनो ना, अब एक क्या होता है ना कि किताब इंसान पढ़ता है, खुद नहीं पढ़ा है। जब तुमको खुद नहीं मालूम है तो फिर तुम मुझे क्यों हवाला दे रहा? तुम मैं क्या कर रहा हूँ? अशरफ अली थानवी की ये वाली बात तो सुन लो कि अशरफ अली थानवी अरवाह सलासा में लिखता है कि जब नानोता में एक बार बुखार आ गया था जाड़ा का और ठीक नहीं हो रहा था, तो लोग जो है एक देवबंदी मौलवी की कब्र से जाते और मिट्टी उठा के बांध लेते थे, ठीक हो जाती थी, शिफा मिल जाती थी। फिर ये बात इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि लोग आते और पूरी की पूरी कब्र की मिट्टी ले जाते, फिर मिट्टी डाली जाती है कब्र पे, फिर पूरे देवबंदी आके मिट्टी ले जाते, फिर डाली जाती, फिर ले जाते हैं। तो ये सब क्या है? कब्र के पुजारी तो तुम लोग खुद हो, कब्र के पुजारी, कब्र के चटोरे। तुम्हारे मौलवी खुद अपनी किताब में लिखा है। अच्छा मुशरिक आजम कौन हुआ? तुम ही ना हुए? मुशरिक आजम तो तुम ही ना साबित हो रहे हो। देखो कब्र से मदद तुम मांग रहे हो, कब्र को चाट के खा के सफाई तुम कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना जब बेशर्मी की बात हो गई? क्या तुम्हारी किस्मत? दुनिया में भी डंडे खाते हो, आखिरत में भी खाओगे? यार हमेशा हर जगह जलील तो तुम हो रहे हो। तुम अपने बाप शैतान मलून के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा माजल्ला कह रहे हो, तो इस पर तुम्हें हर जगह जलीलोकार होना पड़ता है। फिर तुम अपने मौलवियों की शान और अज़मत ये बयान करते हो कि उनके कब्र की मिट्टी को चार सफाई बयाब हो जाता है, माजल्ला। मैंने क्या कहा? तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे मौलवियों की कब्र से पैसे मिलते हैं, आप जो समय मुशरिक ने कहा है और उस पर तुम अगर हमें मुशरिक कहते हो ना तो ये तुम अपने आप के ऊपर एक मोहर लगवा लेते हो मुशरिक होने का, क्योंकि मेरे आका अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि मेरी उम्मत को मुशरिक कहने वाला खुद मुशरिक होगा, और ऐसे वहाबी देवबंदी का खौफ मुझे है। तूने अल्लाह के रसूल पर इतना बड़ा इल्जाम लगा चलती है? तूने क्या कहा था अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी आंख से जान है, ये मेरे गैबदा नबी, ये मेरे गैबदा नबी, ये हदीस पेश कर दे, ये हदीस दिखा दे, ये हदीस दिखा दे। इब्ने हिब्बान की हदीस शरीफ है, और ये इब्ने हिब्बान की हदीस शरीफ तुमको तुम्हारे बाप देवबंदी हर एक को हम भेज देंगे जब बोलेगा तब। तो चलो भेज दो ये हदीस, भेज दो। अरे हर चीज तुमको अभी भेज दो, अभी भेज दो। यार तुम लोग पढ़ते लिखते हो या फिर सिर्फ हम ही से सीखते हो? अरे बेवकूफ, तुम्हारे घर की इबारत हम भेज दे, हदीस शरीफ तुमको हम भेज दे, तुम लोग क्या मदरसा में क्या घास छीनने जाते हो? मदरसे में घास? तुम लोग क्या मदरसा में घास छीनने जाते हो? मदरसे से हम तुम्हारे बेटा
गधा मिट्टी को काटने के लिए जाते हो, हाँ अशरफ अली सादरी की मिट्टी को खाने के लिए जाते हो, बिल्कुल नहीं। हम तो काफी जहन्नम और कुत्ता ईंधन मानते हैं, कुत्ता तो कुछ भी नहीं मानते, हम उसके सर पे नहीं खाते, हम सर पे नहीं खाते, तुम्हारे जिस तरह मेरी आपा में भी रहमत और मुझे फरमा दिया कि क्या नाम है मेरी उम्मत को मुशरिक कहने वाली पलीद शख्स पैदा हो गए। अभी भेज दे रहे हैं, चलो अभी भेज दो, अच्छी बात है, अभी भेज दे रहे हैं, पगला में खराब रखते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलो भेजो, जब तक अपनी क्या नाम है उस इबारतों में बात कर लेते हैं जो तुमने देवबंदी क्या नाम है गंगोही का फतवा पेश किया अलादत पे, ठीक है। हाँ तो तुमने क्या फतवा पेश किया जरा उसको पढ़ दो। नहीं नहीं वो भेजो ना तुम पहले, असल तो हदीस है ना, फतवा तो रशीद अहमद गंगोही का फतवा कोई हदीस के मुकाबले में बड़ी चीज नहीं है। अरे बेवकूफ, जब तक मैं निकाल रहा हूँ तब तक उस फतवे में बात हो जाएगी ना। हाँ उसमें मुश्किल के आजम को काफिर कहा गया है, बस वही बात है। तो किसको काफिर कहा गया है उसमें? मुश्किल के आजम को। किसको? अशरफ अली थानवी को, कासिम नानुत्ती को, किसको? मुशरिक आजम को, खालिद देवबंदी को। देख लो ना मुशरिक आजम कौन है वहाँ भारत में, देख लो। मुशरिक आजम तो सबसे बड़ा मुशरिक आजम तो देवबंदी लोग हैं। अच्छा हाँ तो ठीक है, हमें कहाँ तकलीफ हो रही इस बात से। एक बात बताओ तुम वाकई में यार, तुम्हारे मौलवी ने ठीक कहा कि देवबंदी गधा होता है, एक तुम तुम्हारे ऊपर वो फतवा तुम अपने ऊपर वाले अपने ऊपर जो फतवा उसको अपने पास रखो ना, मुझे क्यों? हम तो मुतमईन भाई, हमें तुम मुतमईन हो अपने घर में कुफ्र और शिर्क का फतवा लेकर खुद मुशरिक को काफिर साबित से तुम मुतमईन हो, अच्छी बात है। हाँ भेज हम गुलाम अहमद रजा है फैलाते हमसे जीता नहीं है देवबंदी ना। बाकी बहुत बड़े खबीश हो यार, हुजूर की शान में गुस्ताखी, औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी, गर्दन मार के फेंक तुम्हारी बस कभी जिंदगी में चली थी ना। देखो देखो फालतू की बात करके कोई फायदा नहीं, तुम वो वाली इबारत में जब तक बात करो ना, इतने जो फालतू बकवास कहते हैं उससे अच्छा है हम लोग वो वाली इबारत में बात कर लेते हैं जिसमें तुमने इल्जाम लगाया कि आला हज़रत को काफिर कहा गया है। काले हजरत की बात की ना, हुजूर पे इल्जाम लगा ना, तो उसको वो काला हजरत किसको बोल रहे हो? अरे उस काले मुशरिक को जो कुछ काला था, तो शकल से बिल्कुल काला ही था। कौन था? अरे तुम्हारा वो था उसका क्या बोल रहे, बरेली का काले मुशरिक, काला हजरत। कौन कौन काला हजरत मुशरिक? कौन काला हजरत मुशरिक बरेली में? हमको तो याद तक नहीं समझ में आया। वही जिनका जिनकी पूजा करते है तुम लोग। किनकी पूजा? हम लोग तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की पूजा करते हैं। माशाल्लाह तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत को काला मुशरिक कह रहे हो। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तमाम देवबंदियों पे लानत हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बड़े तुम लोग हबीब हो यार, कभी अल्लाह की शान में गुस्ताखी क्या होना चाहिए? सुनो चलो खैर, अल्लाह की शान में गुस्ताखी, कभी किसके शान में गुस्ताखी? अल्लाह यार तुम लोगों को बहुत जूते जूते मारना चाहिए। लेकिन तुम लोग पर अफसोस की बात है ना, शान और अज़मत के साथ शान के साथ घूमते हैं, तुम हमें मुशरिक कह दो, तुम्हारे घर की किताब तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। ठीक है कि देवबंदी हर जगह जलीलो खार होता है, इसलिए कि वो हुज़ूर की शान भी तुम्हारे देवबंदियों की औकात नहीं होती कि हमारे अकाबरीन से हमारे उलमा इकराम से आके बैठ के बात करने की, कहीं भी किसी भी जगह देख लो तुम्हारे मौलवी आके भागते हैं। अभी तुम्हारे मौलवी एक मुफ्ती से बात से बाहर निकाल दिया,
सुनो हमारे अकाबरीन वो है कि अहमद रजा जब वहाँ से झूठा फतवा लेकर आया था वहाँ से फतवा वो तो लेके आ गया लेकिन खलील अहमद अम्बेडी साहब अपनी आखिरी सांस तक वही मदर वही मस्जिद नबी में दर्श देते रहे अहमद रजा के फतवा लाने के बाद भी। मेरी बात तो सुन, जब आला हजरत रहमा वहाँ पर जब फतवा ले रहे थे तो उस वक्त ये खलील अहमद अम्बेडी कहाँ छुपा हुआ था? वही थे। हाँ देखो अब ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी हम रखे हैं क्योंकि कुछ देवबंदी जो है ना ये भौंकते हैं कि खलील अहमद अम्बेडी वहाँ नहीं था। अरे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जबकि तुम्हारी जो अलमुहल्लक किताब जो लिखी थी ना। अरे सुन लो तो सही, तुझे मैं अपनी मालूम बता रहा हूँ। बोलो। सिर्फ वो उसी वक्त वहाँ नहीं था बल्कि अहमद रजा के फतवा के लाने के बाद भी पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक अहमद खलील अहमद साहब वही रहे, वहीं पर वहाँ के मदरसे शरिया के मुफ्ती साहब ने उनका जनाजा पढ़ाया जन्नतुल बकी में, आज भी मदफून है। देखो देखते अहमद रजा को दिखा दिया तो हम क्या करें उसमें? तो कह रहा हूँ ना जो हमारी इतनी चलती है, कल भी इतनी चलती है, अहमद रजा चलती नहीं है तुम्हारे, तुम्हें ना वहाँ से जूते मार के भगाए गए थे जब आला हजरत अली तहमा ने तुम्हारी नापाक को पलीद हकीकत को वहाँ बताया था, समझा? अहमद रजा तुम्हारी जब तुम्हारे मौलवियों को जूता मार के जब वहाँ से निकाला गया था तो फिर तुम्हारे मौलवी अपने तरफ से मन घड़त सवालात को नकल फरमा के वहाँ पर अलमुहन्नद नाम की किताब लिख के भेजे। अच्छा अगर वाकई में बच्चे हो और अपने क्या नाम है असल बाप की पैदाइश हो तो तुम ये बता दो अल मुहन्नद में जो 26 सवाल किए गए थे वो उलमाए हरमैन का नाम क्या था? क्या जो उलमाए हरमैन ने अल मुहन्नद में 26 सवालात किए थे वो उलमाए हरमैन का नाम क्या था? देख लो अल मुहन्नद के आखिर में सबका नाम लिखा है, नहीं दिया हुआ है कि किस उलमाए हरमैन ने सवाल किया था और आज तक कोई देवबंदी बताता भी नहीं है इसको। नहीं नहीं सवाल कोई करे कि ना करे वो बात नहीं करेगा। देख ये तो कहा तुम लोगों की हमें उलमाए हरमैन ने सवाल किया हमसे जिसके जवाब में हम अल मुहन्नद लिखे, तो सबसे पहली बात है कि आखिर वो सवाल किस मुफ्ती ने किया था उसका कोई जवाब नहीं देता है, और दूसरी चीज कि जो सवाल किया गया है तो सवाल में वहाँ पूछा गया था कि तुम इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक खबीस फलीस के बारे में क्या अकीदा रखते हो, तो उसमें कहा गया कि हम अब्दुल वहाब इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक के बारे में वही अकीदा रखते हैं जो फतावा शामी में इमाम शामी ने कहा कि वो खारजी था, और फिर एक दो फतवा का हवाला दिया और वो मुसलमानों का कातिल था। तो तुम मानते हो इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक को मुसलमानों का कातिल और खारजी? नहीं मैं तो नहीं मानता। तो फिर तुम्हारी अलमुहन्नद में तुम्हारे जो अब्बा अपने जो तुम उसकी खूब तारीफ कर रहे हो खलील अहमद अम्बेडी की, उसने लिखा है इसमें अलमुहन्नद में, पढ़ा नहीं उसको? अलमुहन्नद में जो लिखा है इतने बड़े तुम लोग यार नापाक और इतने बड़े मक्कार हो, एक तरफ तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक के तलवा चाटो और जब उलमाए हरमैन पूछे तुमसे कि तुम क्या वहाबी खबीस हो तो कहते हो कि नहीं वहाबी के बारे में, एक तो वहाबी की बुराई किया और दूसरी बार इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में वहाँ पर ही भला बुरा कहा और उसको खारजी तक तस्लीम किया, और अभी कहते हो कि नहीं हमने अपने हदीस करके सुनाया कि कहा लिखा है? नहीं नहीं अभी तो बात करो ना, हम तो भेज ही रहे हैं। मेरी मैंने एक हदीस भेजी है अभी। ये भी तो तुम बोल दो ना कि तुम जो अल मुहन्नद और जो खलील अहमद अम्बेडी की इतनी तारीफ बयान कर रहे हो तो तुम्हारे बाप ने तो खुद उसको लिखा वो खारजी था, मुसलमान का कातिल था, तुम मुसलमान के कातिल के पुजारी बने। ये बताओ कि जिंदगी भर जब से वहाँ अहमद रजा फतवा लेकर के आया, आला हजरत अली रहमा को वहाँ के 35 से 35 उलमाए हरमैन ने तस्दीक की और तुम लोग फतवा दिया, लेकिन तुम लोग एक भी वहाँ से फतवा नामा जो तुम्हारा दावा है कि रुजू कर लिया था वहाँ के उलमा ने, एक भी रुजू नामा पेश करो। अच्छा सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अहमद रजा वहाँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब वक्त बर्बाद मत कर, तुमको हरी शरीफ भेज दिया, हरी शरीफ पढ़ ले, सुबह फोन करेंगे, सुबह बात करना, ठीक है? भेज दिया अब्दुल्ला भाई को, अब्दुल्ला से पढ़ के सुनाओ मुझे कि मेरी उम्मत को मुशरिक कहने वाला खुद मुशरिक होगा, दिखाओ। हाँ हजरत हुज़ैफ़ा इब्ने अल यमन रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उस शख्स का खौफ है जो कुरान पढ़ेगा और उस पर कुरान की रौनक देखी जाएगी और उसने इस्लाम की चादर ओढ़ ली होगी, फिर अल्लाह जिधर चाहेगा उसको ले जाएगा
वो इस्लाम की चादर से निकल जाएगा और अपने मुसलमान पड़ोसी पर तलवार चलाएगा। और सुन तो पढ़ रहे हैं हदीस के अल्फाज पढ़ रहे हैं। हाँ हदीस के अल्फाज पढ़ो, उसी के तो अल्फाज पढ़ रहे हैं। अबे जाहिले आजम, तो तुम्हारे मौलवी जो देवबंद मदरसा खोल के रखे हैं और दुनिया भर का जो किताब का तर्जुमा कर रहे हैं, फिर आग लगा दो ना। तो फिर तुम्हारे मौलवी जो मुतरजिम तर्जुमा कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। हाँ चल पढ़। वही इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे कि हजरत हुज़ैफा इब्न अल यमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। ये हदीस के अल्फाज है बेवकूफ। अबे क्या है ये फिर? अरबी मतन का तर्जमा तुझे मैं तर्जमा कह रहा हूँ या हदीस के अल्फाज कह रहा हूँ? तो ये तर्जमा हदीस के अल्फाज में नहीं आएगी उर्दू जुबान में? तर्जमा हदीस के अल्फाज होते हैं। अबे जाहिल कितना बड़ा गधा है यार, फिर तुम्हारे मौलवी क्यों मुतरज्जिम पर तर्जमा कर रहे हैं? सुन मेरी बात, अगर तुमको इसका अरबी, क्या नाम, अरबी मतन चाहिए तो अरबी मतन भी तुमको सेंड किए हैं और प्लस तुमको इसका स्कैन भी भेजे हैं, दोनों पढ़ तो हदीस के अल्फाज देख के पढ़ना। मैं जबानी नहीं बोल रहा, तू देख के पढ़। क्या तुमको भेजे अभी ना, पढ़ उसको अभी, तुम्हें भेजे हम ना, तो उसको पढ़ लो। तू पढ़ना। क्या तुमको फिर किस लिए हम भेजे? हमको अगर पढ़ना रहता। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम इतने बड़े जाहिल बेगैरत होते हो कि कहते हो कि उसका हवाला भेजो, अब तुम सोचते हो कि अगर सामने वाले के पास स्कैन नहीं होगा तो वो मुझे भेजेगा नहीं, हम अपनी कुत्ता बिल्ली सुअर वाली मुंह को लेकर वहां से भाग जाएंगे। और फिर अगर सामने वाला बंदा तुमको जब स्कैन भेजता है, अरबी मतन भेजता है, उसका तर्जुमा भेजता है, तो उसके बाद अब तुम फिर बहाना मारते हो कि उसको पढ़ो। अब एक जाहिल की औलाद तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ो ना। अरे अभी जहल तुझे हदीस के अल्फाज पढ़ने से आखिर तुम पर तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी है कि तुम्हारे के अल्फाज से तुझे नफरत क्यों है? अंग्रेजी में लिखा है। अच्छा ठीक है चल, तुम पर हम सुन रहे, हमको कोई नफरत नहीं है। क्यों तुझे पढ़ने में क्या तकलीफ है? तुम्हें पढ़ने में क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ है क्योंकि हमने हदीस पेश नहीं की, तुमने हवाला दिया, तू पढ़ेगा ना। अच्छा अच्छा, यानी कि तुम्हें तकलीफ है हदीस के अल्फाज पढ़ने में? माज़ल्लाह हवाला पेश किया, तू पढ़ेगा ना। अब कोई फायदा नहीं है, हम तुमको हदीस शरीफ भेज के हदीस शरीफ का भी बता दिए, तुमको तर्जमा भी बता दिए हैं, तुमको उसका स्कैन भी भेज दिए हैं और तुमको मुशरिक आजम साबित भी कर दिए हैं, अपने अबे जाहिल अब तुमको भेज दिए ना, अब चलो निकल यहाँ से। बहुत